हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल देसी डिलाइट। मेरा नाम है जूही और आज की मेरी रेसिपी होगी नारियल की बर्फ़ी, जो कि तकरीबन 20 से 25 मिनट के समय में आराम से बनकर तैयार हो जाती है। इंस्टेंट एंड इजी स्वीट डिश है जिसके लिए एक ट्राई तो बनता है। मैंने इसे बगैर मावा या खोया के इंस्टेंट वे में मिल्क पाउडर की सहायता से बनाया है, जिससे कि आपका मेहनत और समय दोनों बच जाए। तो आइए हम देखते हैं इन्ग्रीडियंट्स और बनाते हैं नारियल की बर्फ़ी। नारियल की बर्फ़ी बनाने के लिए हमें चाहिए होगा 1 कप डेसिकेटेड कोकोनट, यानी कि नारियल का बूरा। ये मार्केट में इजली अवेलेबल है, बट फिर भी आपको ना मिले तो सूखे नारियल को घसकर इसे तैयार किया जा सकता है। इसके अलावा 1/3 कप पिसा हुआ चीनी लेंगे। 1 कप से थोड़ा सा कम मैंने यूज़ किया है मिल्क पाउडर, और सेम कप से 1/2 कप मैंने लिया है दूध, और ये बादाम को मैंने काफ़ी छोटे टुकड़ों में काटा है, ये बस गार्निशिंग में हम यूज़ करेंगे। 1 टेबल स्पून देसी घी लेंगे, और फ्लेवरिंग के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है इलायची का पाउडर। इलायची को ग्रेट कर लें। तो बढ़ते हैं सबसे फर्स्ट प्रोसेस में। यहाँ पे गैस ऑन करके मैंने एक पैन गर्म किया है। पैन के गर्म होते ही हम इसके अंदर बहुत थोड़ा सा घी डालेंगे, लगभग 1/2 छोटा चम्मच। इस प्रोसेस में हम गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो पे रखेंगे, ये देखिए। और इस गर्म घी में हम नारियल के चूरे को ऐड करके 1 मिनट के लिए ऐसे भून लेंगे। ये प्रोसेस आपके लिए कम्प्लीटली ऑप्शनल है, बट थोड़ा सा टेस्ट जो है वो बर्फ़ी का और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। बस इसमें हल्की सी खुशबू आ जाए, इतना ही करना है। कंटिन्यूस चलाते हुए इसे भून लें। ये हो चुका है, हम इतना ही करना है। गैस की फ्लेम को ऑफ करके हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे, इसे अभी साइड में रखेंगे। ये सेम पैन हम वापस से लेंगे, गैस की फ्लेम को ऑन नहीं करेंगे। इसमें मैंने ऐड किया दूध, और दूध में ही हम डाल लेंगे ये मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर और दूध को ऐसे हम घोल लेंगे। गैस का फ्लेम आप ऑन कर सकते हैं, बिल्कुल स्लो पे रखेंगे, बट गर्माहट के कारण इसका जो लम्स है वो तोड़ने में काफ़ी दिक्कत हो जाती है। तो ऑफ रख के ऐसे हम इसे घोल लेंगे, तो बड़ी ही जल्दी ये घुल जाएगा। दूध और मिल्क पाउडर को घोल लेने के बाद इसमें जो ये पाउडर शुगर है ये भी डाल के इसे भी मिला लेंगे। दूध, मिल्क पाउडर और पाउडर शुगर के गाढ़े घोल को तैयार करने के बाद हम गैस की फ्लेम को ऑन करके हाई पे मेंटेन करेंगे। इसके अंदर अभी हम घी डाल देंगे। घी को मिलाते हुए हमें इस मिश्रण को तब तक पकाना है जब तक कि थोड़ा सा गाढ़ा नहीं हो जाए, या फिर 3 से 4 मिनट तक हाई फ्लेम पे। और यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि ये जो घोल है वो काफ़ी जल्दी गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। बस 3 से 4 मिनट का बॉईल हाई फ्लेम पे काफ़ी है। गैस का फ्लेम कर देंगे लो पे, क्योंकि इससे ज़्यादा हमें नहीं पकाना है। इसका जो टेक्सचर है वो हमें कंडेंस्ड मिल्क के जैसा चाहिए, और ये हो चुका है और काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा भी दिख रहा है। तो ये जो नारियल का चूरा है वो हम इसके अंदर डाल देंगे, और इन तमाम चीज़ों को हम अच्छे से मिला देंगे। इसे अच्छे से मिला लेने के बाद गैस की फ्लेम को हम कर देंगे हाई पे, क्योंकि हमें इस मिश्रण को फिर से पकाना है। इलायची का पाउडर डाल देंगे यहीं पे, और इसे मिलाते हुए हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि ये जो मिश्रण है पैन नहीं छोड़ने लगे और गाढ़ा नहीं हो जाए। हमें इसे जमने की कंसिस्टेंसी का लाना है, या फिर घड़ी के टाइम से 5 मिनट हाई फ्लेम पे ऐसे। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये बर्फ़ी का मिश्रण पककर सूख गया है और ये एक डो के फॉर्म में आ गया है। दैट मीन्स बर्फ़ी हमारा जमने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो गैस के फ्लेम को अब हम कर देंगे ऑफ़, और इस बर्फ़ी को सेट करने के लिए हम दूसरी ओर एक स्टील की प्लेट को घी से ग्रीस कर लेंगे, और इस ग्रीस्ड ट्रे में हम तैयार किए गए बर्फ़ी के मिश्रण को डालकर इसे सेट कर लेंगे। सेट करने के लिए हाथों पे भी हम थोड़ा सा घी अप्लाई कर लेंगे ताकि वो स्टिक ना करे, और इसे ऐसे स्क्वायर शेप में सेट कर लेंगे। ऊपर से दबा दबा के हर तरफ से हम इसे बराबर और प्लेन कर लेंगे। लास्ट में जो ये कटा हुआ बादाम था उसे हम ऐसे गार्निश कर देंगे, और इसे भी हल्का हल्का दबा देंगे ताकि ये निकले नहीं, चिपक जाए हमारे बर्फ़ी में। चलिए इसे अभी हम
एक घंटे के लिए छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। एक घंटे के बाद जब हमारा बर्फ़ी का मिश्रण सेट हो जाएगा तब हम इसे कट कर लेंगे। और यहाँ पे एक घंटा हो चुका है और ये जो बर्फ़ी है वो अच्छे से सेट हो चुका है, टाइट हो चुका है। तो चलिए चाकू की हेल्प से हम इसे काट लेते हैं। अपने मनचाहे आकार में काटें, मैं इसे स्क्वायर शेप में काटूंगी। तो लीजिए स्वादिष्ट, मज़ेदार और होममेड नारियल की बर्फ़ी सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसे आप त्योहारों पे बनाइए, रक्षाबंधन पे बनाइए, मेहमानों के लिए बनाइए या फिर जब कभी आपका दिल करे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। हम तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।